हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एली न्यूज चैनल में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाली हूँ ये एस्पर्गस फंड के बारे में। काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट होता है ये, देखिए ये कुछ ये बहुत ही अच्छा ग्रीनिश लुक देता है। और ये इस तरीके से एक एक प्लांट इसका है, ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। इसकी जो लीफ होती है थोड़ी सी चुभने वाली होती है। और इसकी एक वैरायटी आती है इसमें थोड़े से कैक्टस भी होते हैं, उसमें छोटे छोटे जो है कांटे भी होते हैं, पर ये जो है इसमें ऐसा नहीं होता। पर इसकी जो लीफ है वो नुकीली होती है, थोड़ी सी शार्प होती है। तो ये एस्परगस फर्न है, पर ये फर्न की फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता है, ये लिली की फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि ये देखिए इसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं, तो ये बल्ब के थ्रू ग्रो किया जाता है इसको। इसका यूज़ फ्रेंड्स गार्डन कवर करने में या डेकोरेशन के रूप में करते हैं। इस काफ़ी ग्रीनिश लुक देता है, कहीं भी इसका बॉर्डर बनाने के रूप में आप कर सकते हैं इसका यूज। और आज हम बात करने वाले हैं इसको कैसे रिपोर्टिंग करते हैं हम। मैंने ये नर्सरी से एक प्लांट लिया हुआ है और ये काफ़ी चीप प्लांट होता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलता है और बहुत खूबसूरत है। और आप इसको इतने से प्लांट से आप बहुत ज़्यादा उगा सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो ये बल्ब होते हैं ना ये बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं ये कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से नर्सरी से प्लांट ले आके भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरीके से इसके छोटे छोटे बल्ब्स हैं तो आप इसको आसानी से उससे भी ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इसका केयर में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसका केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसकी रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉली बैग में देखिए छोटे से प्लास्टिक बैग में हमको मिला हुआ है ये इस तरीके से प्लांट, तो इसको हम इसमें से निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है पॉली बैग से, और ये इसमें देखिए पूरा इसकी जो मिट्टी है काफ़ी जो है सॉफ्ट मिट्टी है, और ये देखिए इसमें पूरा रेत भरा हुआ है। तो आपको इसका जो पॉटिंग मिक्स तैयार करना है वो एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए, इस तरीके से मिट्टी उसकी होनी चाहिए। ये देखिए ये अपने आप इसमें से देखिए गिरता चला जा रहा है, ये प्लांट उठ नहीं रहा इस तरीके से। और इसमें ये ट्यूब्स भी काफ़ी सारे निकले हुए हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पूरे में ट्यूब्स इसके भरे हुए हैं नीचे तक पूरा। तो ये देखिए इसके रूट्स कुछ इस तरीके से है, हेल्दी रूट्स हैं इसके, यहाँ पे ट्यूब्स देखिए बन भी रहा है। तो इसके लिए हम ये देखिए मैंने छोटा सा पॉट लिया है, मैंने इसमें दूसरे प्लांट्स लगाए थे तो उसको मैंने इसमें से निकाल दिया है। और ये देखिए मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार की हुई है, तो मैंने इसमें आपको क्या करना है, सॉइल जो तैयार करेंगे उसमें आपको रेत की मात्रा बालू की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी है। मैंने इसमें बालू लिया है, थोड़ा सा गार्डन सॉइल है और कंपोज है। आपको कंपोज आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा कंपोज वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, तो अभी इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। इसको साल भर में अगर आप एक दो बार खाद डाल लेते हैं तो वही इसके लिए इनफ है। तो मैंने इस तरीके से इसको लिया है और इसमें जो ड्रेन होल है सबसे पहले हम उसको बंद कर देंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके से मिट्टी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स सॉइल तैयार करने में आप बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप बिल ड्रेन बनाइए, मिट्टी उसमें पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, जनता जिससे इसके ये जो बल्ब है ना अगर पानी रुकेगा तो ये बल्ब इसके ख़राब हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करिए कि इसका जो बल्ब है वो ख़राब ना हो, मिट्टी एकदम वेल ड्रेन बनाइए। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स इसमें को हम मिट्टी तो इसकी निकल गई है पूरी, ये देखिए कुछ इस तरीके से लूज में, कुछ भी आपको लूज करने की ज़रूरत नहीं, बस हम इसको उठा के इस पॉट में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से पॉट में डाल दिया है, ये देखिए अब इसके चारों तरफ हम मिट्टी से इसको कवर कर देंगे। आपको इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आप मिट्टी जो बनाते हैं आपको इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी मिला लेंगे तो आपको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे आपको क्या होगा सॉइल इसमें अच्छे से मॉइस्चर बना रहेगा। तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, और वैसे रेत है तो वो मॉइस्चर होल्ड रखता है वो ज़्यादा, पर आप मिला लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है मेरा, ये तैयार हो गया है, मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। और आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, फुल सनलाइट को भी टॉलरेट कर लेता है और मीडियम लाइट भी टॉलरेट कर लेता है, या आप इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे तो भी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से कहीं पर भी रखें तो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और आप इसको जो है बीच बीच में जब इसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई होने लगे तो बीच बीच में आप इसको वाटरिंग करते रहें, काफ़ी अच्छा आपका ये प्लांट चलेगा। फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ी सी वाटरिंग कर देंगे, देखिए, और आप इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करिए, आपका प्लांट काफ़ी अच्छा चलेगा।
तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे मेक श्योर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको हमें ये मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।